बोर्ड कक्षाओं और कॉलेजों की परीक्षाओं पर आज होगा फैसला। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर आज शनिवार को फैसला होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 1 मई को सरकार ने स्थिति की समीक्षा कर इस संदर्भ में आगामी फैसला लेने की घोषणा की थी। 10वीं कक्षा और फर्स्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थी बिना वार्षिक परीक्षाएं लिए प्रमोट किए जा सकते हैं। 12वीं की परीक्षाओं पर CBSE के फैसले का सरकार इंतजार करेगी। कॉलेजों में फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी करवाने की योजना है। सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर 17 मई तक 10वीं 12वीं और कॉलेजों की परीक्षाएं स्थगित की हैं। बीते दिनों उच्च शिक्षा निदेशालय ने परीक्षाओं को लेकर विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे थे। अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षक संगठनों, विद्यार्थियों सहित कई अन्य जागरूक नागरिकों ने शिक्षा निदेशालय को सुझाव भेजे हैं। अधिकांश सुझाव में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के इस वर्ष वार्षिक परीक्षाएं नहीं करवाने की वकालत की गई है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को बीते दिनों हुई प्री बोर्ड परीक्षाओं और फर्स्ट व सेकंड टर्म की परीक्षाओं के अंकों के आधार पर जमा एक कक्षा में प्रमोट करने की सलाह दी गई है। 12वीं की परीक्षाएं लेने के सुझाव आए हैं। इन विद्यार्थियों को प्रमोट करने के हक में हितधारक नहीं हैं। उधर कॉलेजों में फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग की गई है। यहाँ फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं लिए जाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को स्थिति में सुधार होने तक बंद रखने और शिक्षकों को रोस्टर आधार पर स्कूल कॉलेजों में बुलाने और ऑनलाइन पढ़ाई को लाइव करने की मांग भी की गई है। इन सभी सुझावों के आधार पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। तो दोस्तों, इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप तक हमारी वीडियोस पहुंच सके, क्योंकि हम आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।